सो प्रीवियस क्लास पढ़ी थे डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट जोटा कि पोलेन ग्रेन तो आज आम पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट बा एम्ब्रियो सेक कह तो आमर ये चलती फ्लावर रो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रो डेवलपमेंट तो फर्स्ट आम पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पिस्टल स्ट्रक्चर किए इट मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ कार गोटे पिस्टल गोटे सिंगल कार्पेल कारपेल्थ थे जमी आम देखिपर गिंगल कारपेल अच्छी मल्टीपल कार्पेल बा एक रु अधिक कारपेल जमती किस फ्लावर देखिए पांच कार्पेल प्रेजेट अच्छी तो एक भी थे कि फाइव ए कार्पेल हेज थ्री पार्ट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओफे कार्पेल रे आम तीनोटी पार्ट देखा पाइवा सबाउप देखा पाइबा स्टिग्मा देन गोटे स्टाइल ह्विच इज द मिडिल पार्ट इन बिटवीन द ओरी एंड स्टिग्मा एंड बासल पार्ट गोटे देखा सी है ओभरी सो ोटी पार्ट आम देखा पाऊ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओभरी तो फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा स्टिग्मा इज द मोस्ट पार्ट अफ द कार्पेल ए कारपेल ऊपरी पार्ट को आम स्टिग्मा कहवा ह्व इज अटाच टू द स्टाइल जे जेकि स्टाइल को अटाच करेंगे इट रिसीव्स द पोल गग्रीन

इट इज द दोलेन्सल पार्ट तल भाग स्वलैंड पार्ट जो होता है ताको ओभरी कह इड द ओभरी इज द ओभारीएन कैिट लक्युल ओभारी भितर आम कैटी देखा पाऊ जमती कि देखीजे गोटे दुईट कैविटी अच्छे एपटे गोटे एपटे गोटे तो या कोई ओभारीएन कैविटी किंवा लक्यूल दैट कंटेन्स द ओव्यूल ई कैटी भित्ते ओव्यूल थाए कि ওভারি কেবল গোটিয়ে ওভিউল প্রেজেন্ট থা এবং কিছু মল্টিপল ওভিউলস প্রেজেন্ট থাকে যেমি এটি এক্সাম্পল দিয়ে যাই মল্টিপল এই ওভারি রেজেন্ট অচ ওভিউল এনক্লোজেস অ্যান্ড এম্ব্রিওসেক প্রত্যেক ওভিউল ভিতরে আমি গোটিয়েওসেক পাইব তো এটি ছাড়া এম্বিও ছভিউল দিশুছি তো তা ভিতরে আমি ছম্বিও সেক পাইব तो बर्तमान आम यमडियओ से स्ट्रक्चर विषय में पढ़ा तो फर्मेसन अफ ओव्यूल बा मेगास्परजम ओव्यूल फर्मेसन कि जाए ओभ्यूल्स डेभलप फ्रम द इनर वॉल अफ द ओभरी तो ओवरी भाई प्रथम ये गोटे सिंगल सेल हिसाब ग्रो कै एंड ओव्यूल अल्सो कल्ड मेगा स्पोराजियम ओव्यूल अन्न नाम देपर व्हिच स्पोरेप्स ए स्टाइन नोब इन द ओवरी एज इट डेभलप इट गेट रेज द ओवरी वॉल ओवरी वॉल रु सी बाहर बाय ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल जमी देखिपर ये अच्छी फ्यूनिकल गोटे छोट फूड वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ओव्यूल फ्यूनिकल बाट दे कि

सो हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल ओव्यूल एंड फ्यूनिकल जंक्शन को आम हाइलम कही पारल्ट लेर्ड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड निलस तो ये आम मल्ट बॉडी बड़ी देखिपर ओव्यूल रो लेयर या को कोई निलस कह एंड इट इज एनक्लोज इन ओन और टू प्रोटेक्ट लेयर एनक्लोज करूसल चारसन ्यूसेलस न्यूसेलस ठीक चारिपटे आम इंटेग्युमेंट पाइबा आउटर इंटेग्युमेंट एंड इनर इंटेग्युमेंट तो यशन है आउटर इंटेग्युमेंट इंटाग्युमेंट एटाला इनर इंटेग्युमेंट देन ए यर्सन टाला निलस भाई आम पाऊे एम्ब्रीओसे एंड इट इज एनक्लोज्ड इन वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड

मेगास्पोर मदर सेल किंबा कि एम्ब्रियोसेक मदर सेल डेभलप कै ददर एंड ऑफ़ द ओभ्यूल दैट इज ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड वेर फ्यूनिकल विद द न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेन्ट इज कॉल्ड चालाजा और चालाज़ल एंड ठीक तार अपोजिट्रे आम देखा अपोजिट्रे न्यूसेल सहित य्यूनिकल आसिक ये जयेंट कर पर्सन को जगह को आम कह चालाजल एंड बा चालाज पोल दे पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल ये मेगा स्पोर एवं यागर पढ़ले मेगास्पोर मदर सेल कि डेवलप है मेगा मेगास्पोर मदर सेल डेभलपमेंट होती मेगास्पोर बाहर प्रोसेस को कहा जाए मेगास्पोरोजेनेसिस सो मेगास्पोर so, मदर सेल इज ए लार्ज सेल मेगा स्पोर मदर सेल कंपेरेटिवली इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेन्स सैटोप्लाजम एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लिय भेजे आम गोटे प्रोमिनेट न्यूक्लिय देखा मिल याइटोप्लाजम टे घनवुक्त होता है अर्थ टेन्स था द प्रोसे अफ फर्मेशन अफ मेगा स्पोर्स फ्रम मेगापोर मदर सेल इज कल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कह को कहला मेगास्पोर मदर सेल जी की डिप्लोइड हे थाए से को भली भाव में मेगास्पोर फॉर्मेशन होची ए पद्धति को कहा जाए मेगास्पोरोजेनेसिस ए मेगास्पोर मदर सेल इज ए लार्ज डिप्लॉयड सेल जेमते की म कहली एटा उठे डिप्लॉयड सेल हे थाए इट अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड गिव्स राइज़ टू फोर हैप्लोइड सेल और मेगास्पोर तो या भेजे मिओटिक मियो, डिजन हे जमीक आम जानचे मिओटिक डिजन रईटी स्टेजेस अच्छी मिओसीस् वन एंड मिओसीस्ू मिओसीस् वनटा रिडक्शनाल डीजन होता है मिओसीस्ट टूटा इक्वेशनल डिजन होता है तो ओभरअल मिओसीस् एंड होप्लयड सेल रु चारोटी हाप्लयड सेल पाइबा जोटा कि हूँ मेगा स्पोर आम ये देख पार चारोटी सेल गोटे धाड़ी से

सीए आक्टिव रे जो माइक्रोपाइलर एंड आड़ को जो तीनो मेगास्पोर थाए से डीजेनरेट हो जाए एवं जाएंगे योटे फंक्शनल मेगास्पोर रु ही एम्ब्रिओसे डेवलप हुए यही रो डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाए एवं कि प्लांट रे दुईटी मेगास्पोर डेवलपमेंट डेवलपमेंट हुए तो बैस्पोरिक कहा जिवो तो मैक्सिमम जो प्लांट रे मोनोस्पोरिक एम्ब्रिओसे देखा जाए मीन्स गोटे ही फंक्शनल मेगास्पोर रु एम्ब्रीयोसेक डेवलप हुए द फंक्शनल मेगास्पोर ग्रोस यो मेगास्पोर रिमेन गला फंक्शनल फंक्शनाल गला ये ग्रो करे इट्स न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक माइट्रोटिक एंड एट हैप्लोइड न्यूक्ली जोटा आगक बढ़वा ये माइटोटिक माइट्रोटिक द्वारा गति कैं फाइनली आठटी टीक्ली प्रस्तुत कै तो स्ट्रक्चर दस फॉर्मड इज टर्मड ए एम्ब्रियो सेक जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें पाईबा ताको एम्ब्रियो सेक किंबा मेगागेमेटोफाइट कहबा तो एम्ब्रियो सेक रो केमती डेवलपमेंट हुए गोटिए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रो वर्तमान हमें देखिबा द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्ली जेमती के हमें फंक्शनल मेगा स्पोर डिइाइड हम माइटोसीस जहाँद्वर दुईट न्यूक्लीभाइड होगा ये गोटे जिन लक्ष्य को कि कर ये कौन सी सेलवाल फर्मेसन हुए ना तो जो डीजन हुए सब फ्री न्यूक्लीयर डिजन अर्थ न्यूक्लीयर डिजन डज नट फलोड बाय सैटोप्लाजमिक अर्थ कौन सेलुआल फर्मेसन येखाए ना सिंपली न्यूक्लीयर डीजन बहुत गुडाएस तीनो स्तर मेंयर डिजन देखा है

टू मोर माइटोटिक माइट्रोटिकज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर न्यूक्लीएट एंड लैटर एट न्यूक्लीएटेजे अफ एमब्रिओसे मेगास्पोर टेट्राड्रे आईर माइटोसिस हबो दुई रु चार एवं फाइनली चार आठ टी न्यूक्ली एमब्रिओसेक फॉर्मेशन हबो तो ओभरअल गोटे फंक्शनल मेगास्पोर्रेनिथर माइट्रोटिकापे फाइनाली एट न्यूक् एम्ब्रिओसेओ सो दिज माइटोटिक आर स्ट्रिक्टली फ्रीक्लीयर न्यूक्लियर डिजन आर नट फलोड इमिडियेटलील फर्मेशन तो ये जो डिजन हो फ्री न्यूक्लीयर डीजन कौन सेलुआल फर्मेशन ऊक् डिजन पर एट न्यूक्लियर स्टेज इच एंड एमब्रीयोक हेज फोर स्टेज रे पहुंची जाए प्रत्येक पोल चार्यूक्ली प्रत्येक पोल रु गोटे गोटेली सेंटर आड़ को आसी जाए जमती देखिपर दुईट ग्रुप जो थी चार चार ग्रुप थे प्रति ग्रुप रु गो गोटेली मिडिल को आम इच ग्रुप अफ फोर मुवस टूर्डस देंटर दिजक्ली बर्तमान ना दबा पोलर न्यूक्ली हिच अल्टीमेटली फ्यूज टू फर्म ए सिंगल सींगल डेप्लॉयड न्यूक्लिस्क फाइनाली फ्यूज है डिप्लॉयड न्यूक्लियर्मेसन कै कि सेकेंड्री जाए ए ग्रुप अफ थ्रीक्ली इज एट प्रेजे माइक्रोपाइलर एंड एंड अनादर ग्रुप अफ थ्री एट द दपोजिट अफ दपोजिट चलाजल एंड থি সেলস ফর্ম এন্ড আইসোলেট অল দি সিক্স নিউক্লি তো আমি দেখলে দুইটি নিউক্লি যেতবে মিডিল কু পসিলা বাকি জোটা মাইক্রোপাইলার এডরে রহলা সি ফর্মেসন করবে এগ এপরেটস এগ ভিতরে গোটি এগ র এবং তা সাইড্রে দুইটি সাইনার সেল প্রেজেন্ট রহিবে ঠিক সেমতি যেটা চালাজল এন্ড্রে তিনোটি সেল রহলা से तीनोटी एंटीपोडल सेल फॉर्मेशन करिवे तो टोटल आमे एठी सेल पाइले मिडिल रे गोटे सेंट्रल सेल हला माइक्रोपाइलर एंड रे तीनोटी सेल फॉर्मेशन हला एवं चलाजल एंड रे तीनोटी सेल फॉर्मेशन हला हेंस सिक्स ऑफ द एट न्यूक्ली आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स व्हाइल द रिमेनिंग टू न्यूक्ली कॉल्ड पोलर न्यूक्ली जोटा की Center रे अच्छी आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल सो मिडिले जो सेल फॉर्मेशन हुए बाय फ्यूजन ऑफ़ द पोलर ताको हमें सेंट्रल सेल कह थ्री सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग एपरेटस। वन ऑफ़ इट्स सेल्स बिकम्स एग एंड बिकम एग्सल गोटे सेल बहुत एनलार्ज करे जोटा केला एग सेल फीमेल गैमेट द सेल्स ऑन इट्स आइदर साइड आर कॉल्ड सैनर तर बोथ साइड रे दुईटी सेल ray, -like देखा जाए ताको आमे कहबा सिनर्जिड्स जेंति के आमे एटि देखि परबा सिनर्जिड्स द सिनर्जिड्स हैव ए स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलिफम एपरेटस सिनर्जिड रो माइक्रोपाइलर एंड रे आमे देखि परबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किछि स्ट्रक्चर देखा जाउछि ए स्ट्रक्चर को कहा जाए फिलिफॉर्म एपरेटस

एंटीपल सेल्स जाए बिफोर फर्टिलइेस ए मेच्योर एम्रिओसे कंटेन्स सेभेन ऊक् आउट ऑफ व्हिच सिक्स आर हैप्लोइड आम देखिले ऊपर तीन टाला हैप्लोइड तल तीन ती सेल हाप्लयड गोटे एग आई दुईटी सर चिट सी भी एवं मिडिल रे जो सेल सृष्टि हे जो सेंट्रल सेल जाए सीटा है डेफ्लॉयड एंड वज्लॉयड दिपिकल एनजिओस्फर्म एमब्रिओ सेक् एट मेचोरीटी इज एट न्यूक्लीएट टोटाल आम जब देखा ये तीन ये तीन मझे दुई तो न्यूक्ली तो आठटी अच्छा किल मिडिले गोटे ही सेल थाए जा सेन्ट्राल सेल क्या सेट न्युक्एट और सेभेन सेल स्टेज या कह जाए तो थैंक यू सो मच নেক্সট ক্লাস আমি টপিক নপিক সহ আসবা প্লিজ লাইক দ ভিডিও এবং নিজের কমেন্টস নিশ্চয় সেয়ার করতো থ্যাঙ্ক ইউ সো মচ হ্যাভ এ নাইস ডে